हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बीवीएन ई लर्निंग क्लासेस। टुडे डेट इज 20 जुलाई 2020, डे मंडे। स्टूडेंट ने अपनी एक्सरसाइज 6.4 शुरू कर रखी थी। हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है। इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी इन चारों साइड्स को अगर हम ऐड करें तो क्या वो बड़ी होंगी, क्या ये चारों साइड्स बड़ी होंगी एडिशन करने पर बी डी और ए सी के, यानी इन दोनों के हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इन्हें ऐड करेंगे तो ये चारों साइड से हमारी बड़ी है, चारों साइड इन दोनों से बड़ी है, तो ये बताना है। स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व। हम स्टूडेंट्स उसी ट्राइंगल्स वाले मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। सिंस द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, जैसे आपको पता है ट्राइंगल्स में टू साइड्स होती हैं, उनका एडिशन क्या होता है, ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसमें ट्राइंगल्स लेंगे। देखिए हमें क्या चाहिए था, ए बी और बी सी, यानी ए बी बी सी कुछ इस तरह से हमें ट्राइंगल चाहिए। तो स्टूडेंट हम पहला ट्राइंगल लेंगे, वो होगा हमारा ए बी और सी, यानी कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। देखिए स्टूडेंट हम इस तरह का एक ट्राइंगल लेंगे, तो इसमें अब हमें क्या मिल रहा है, देखिए स्टूडेंट हमें यहाँ से ए सी मिल जाएगी, इधर वाली लेंथ मिलेगी। तो हमें अगर हम ए बी और बी सी को, यानी इस वाली लेंथ और इस वाली लेंथ को अगर हम ऐड करें तो ये क्या होगी, इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप देख रहे हो ए बी सी ट्राइंगल में क्या है, ए बी प्लस बी सी हमारी ग्रेटर देन किससे है, ए सी से। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरह से हम बाकी और भी ट्राइंगल लेंगे। देखिए स्टूडेंट सेकेंड हम ट्राइंगल लेंगे, ये ए डी और सी, यानी इस तरह से होगा स्टूडेंट्स। ये हमारा ट्राइंगल इस तरह का है, ये हमारा ए है, ये हमारा डी है और ये हमारा सी है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि हमें ए सी चाहिए स्टूडेंट, इसीलिए देखिए यहाँ से भी हमें ए सी मिल रही है हमारी, ये वाली लेंथ मिल रही है। देखिए एक तो हमारे इसके एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है हमारा ट्राइंगल। तो देखिए हम ए डी और डी सी को ऐड करेंगे तो ये किससे ग्रेटर है, हमारी ए सी से ग्रेटर है। अब स्टूडेंट हमें ए सी तो देखिए दो बार मिल रही हैं, अब हमें क्या चाहिए, बी डी, ये वाली लेंथ चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट एक इससे नीचे ट्राइंगल बन रहा है, एक इससे ऊपर, तो नीचे वाला ट्राइंगल क्या है आपका, नीचे वाला है स्टूडेंट आपका डी, सॉरी नीचे वाला है आपका ए डी बी। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये ट्राइंगल है, ये इस तरह से आपका ये ट्राइंगल है, सॉरी कुछ इस तरह से ये आपका ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। ये ए है, ये डी है और ये बी है, यहाँ आपको बी डी मिलेगी। देखिए स्टूडेंट किस किस के एडिशन के पर, ए डी और ए बी को, ए डी को और ए बी को ऐड करेंगे तो ये किससे ग्रेटर है, हमारी डी बी से ग्रेटर है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है स्टूडेंट हमारा, दूसरा है डी सी और बी, यानी इस तरह से ये डी हो गया, ये बी हो गया और ये सी। इट मीन्स हम डी सी और बी सी को ऐड करेंगे तो हमारे क्या है, ये बी डी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम ये हमारी चार इक्वेशन आ गई, इन चारों को अगर हम आपस में ऐड करें स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट ए बी, यहाँ हमें ए बी मिल रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस ए डी प्लस ए बी। तो देखिए स्टूडेंट हमें चारों इक्वेशंस मिल रही हैं, चारों इक्वेशन हमारी ग्रेटर है किससे, डबल ए सी एन प्लस डबल बी डी या फिर डी बी। देखिए स्टूडेंट एक ए बी दूसरा ए बी, दो ए बी हो गए, एक बी सी या दूसरा सी बी, बातें की हैं दो हो गए, एक ए डी दूसरा ए डी, एक डी सी दूसरा ए डी सी। तो हर चीज़ हमें दो दो बार मिल रही थी, दो ए सी मिल रहे हैं, दो डी बी। अब स्टूडेंट अब हम इन सब में से एक चीज़ कॉमन कर सकते हैं, क्या, टू, टू हम बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा टू ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए, दूसरी साइड आपकी क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ से भी हम टू निकाल लेंगे, ए सी प्लस डी बी। देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, दोनों इज इक्वल टू एम है। अब हमारा क्या बच रहा है, हमारा बचेगा स्टूडेंट ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी, किससे ग्रेटर है, हमारी ए सी प्लस डी बी से, जो हमसे सिचुएशन मांगी गई है। तो इसी से हमारा ये हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो इसी के साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर इज ए बी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये हमारे अब हमारा दूसरे साइड वाला ग्रेटर हो गया, यानी टू ग्रेटर देन है हमारे, लेस देन है सॉरी, टू ए सी प्लस बी डी, हमारे टू ए सी प्लस बी डी हमारे ए सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए हमारे क्या है, लेस हो गए, कम हो गए, छोटे हो गए। तो स्टूडेंट्स द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज द ट्राइंगल, क्योंकि स्टूडेंट पहले यहाँ हमारा सिंगल था, अब हमारा ये दुगुना का हो गया है, तो ये क्या होंगे, हमारे ग्रेटर देन होती है थर्ड साइड की। तो लेट्स सॉल्व दिस।
हमारे हम ट्राइंगल लेंगे, देखिए हमसे ए बी ए हमसे कौन कौन सी साइड्स पूछी हैं, ए सी प्लस बी डी, यानी एक तो ये पूछी है ये वाली, और इसकी एडिशन की दुगना दुगनी एडिशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स हमारे ट्राइंगल कौन कौन से बनेंगे, पहला बनेगा ए ओ बी, क्योंकि हमें यहाँ ओ का नाम दिया तो ए ओ बी, दूसरा बनेगा स्टूडेंट बी ओ सी, तीसरा बनेगा सी ओ डी, और चौथा बनेगा डी ओ ए या ए ओ डी। ए ओ बी से आपको पता है कौन सी दो साइड मिलेंगी आपको, ए बी मिलेगी और ओ ए, सॉरी ए बी मिलेगी और ओ ए, इसके हमारे क्या हो जाएगी स्टूडेंट ओ बी हमारी क्या है, सॉरी ए बी हमारी ग्रेटर है किसके, ए ओ और ओ बी के एडिशन के। इसी तरह से बी ओ सी में स्टूडेंट बी ओ और ओ सी के एडिशन से बड़ी है बी सी, इस तरह से सी ओ डी में स्टूडेंट डी ओ और ओ सी के एडिशन से क्या बड़ी है डी सी आपकी ग्रेटर है, इसी तरह से आपकी चौथी हो जाएगी स्टूडेंट्स। इस तरह से आपके चार इक्वेशंस बन रही है स्टूडेंट। अब की बार हमने इधर की साइड रखें क्योंकि हमें आपका ग्रेटर इधर की तरफ चाहिएगा। ये देखिए निशान आप देख पा रहे हैं किस तरफ है हमारा, जिस तरफ से हमारा निशान उसी तरफ से हमारी दोनों एडिशन जो दो साइड से एडिशन है वो उसी साइड कर दिया। चारों की इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स। ऐड करने के बाद आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स हमने एडिशन में लिख लिए हैं, हमारी चारों साइड इस तरफ आ गई है। अब हमने देखिए जो चीज़ हमें दो दो बार मिल रही है हमने उसी तरह से उसे दो दो बार लिख लिया है। टू टाइम हमें ओ ए मिल रहा है, टू टाइम ओ बी, टू टाइम ओ सी एंड टू टाइम ही हमें ओ डी मिल रहा है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स अब हमने दोनों कॉमन निकाल लिया है, ओ ए, ओ ए और ओ सी को हमने एक साथ रखा है और ओ बी और ओ डी को हमने एक साथ रखा है स्टूडेंट। सभी में हमें टू कॉमन निकल रहा है, इसलिए हमें टू बाहर रख लिया। देखिए ओ ए और ओ सी कहाँ है हमारा, देखिए ओ ए और ओ सी, दैट इज़ द ओ ए, दैट इज़ द ओ ए एंड दैट इज़ द ओ सी, ये हमारा ए ओ ए और ओ सी है जो कि हमारी मिलकर क्या बना रही है स्टूडेंट, ये हमारी ए सी बना रही है ओ ए और ओ सी। इसी तरह से बी ओ और ओ डी मिलकर हमारा बी डी बना रही है, तो हम इनकी जगह इनको लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो जो हमसे एक प्रॉपर्टी पूछी गई थी वो क्या हो चुकी है, अब प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ टू साइड, टू साइड ट्राइंगल की दे रखी है, एक साइड 12 सेंटीमीटर है दूसरी साइड 15 सेंटीमीटर है, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड बी लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉर, तो इसकी जो तीसरी साइड है वो कौन से दो आपके नंबर्स के बीच में पड़ेगी वो हमें बतानी है स्टूडेंट। द सम ऑफ टू, आपको पता है साइड्स की लेंथ आपकी ग्रेटर होती है, थर्ड साइड की लेंथ क्या होती है वो ग्रेटर होती है। तो स्टूडेंट इट इज़ गिवन दैट, दो साइड हमें दे रखी है, थर्ड साइड निकालने के लिए एक बार तो हम क्या करेंगे इनको एडिशन कर लेंगे और एक बार क्या करेंगे स्टूडेंट का डिफरेंस निकाल लेंगे। दैट मीन्स हमारी जो थर्ड साइड है वो इनके एडिशन से तो कम होगी और सब्ट्रैक्शन से क्या होगी ज़्यादा, दिस दैट मीन्स थर्ड साइड कुड बी लेंथ मोर देन तो 3, जो कि मैंने आपको बताया था इनके इस डिफरेंस से तो ज़्यादा होगी लेकिन लेस देन 27, लेकिन इनके एडिशन से जो इनका ऐड आएगा उससे क्या होगी वो कम होगी, क्योंकि वो जो हमने हमने आपको पता है कि जो थर्ड साइड होती है वो ट्राइंगल की दो साइड के एडिशन से क्या होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन उनके डिफरेंस सॉरी कम होती है लेकिन जो उनके डिफरेंस है उनसे क्या होती है वो ज़्यादा होती है स्टूडेंट। इसी के साथ जो आपकी 6.4 है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम स्टे सेफ़।